अरे हम ढूंढने लगे, पापा भी तो करप्शन का केस लग जाएगा। हम एक ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं और मैंने मिस्टर आजाद कुमार का ब्लॉग चैनल हैक कर लिया है, तो आज से ये मेरा चैनल है। हाय गाइस, मेरे ब्लॉग चैनल के पार्टनर हैं रवि जटेला और विशाल बबलू। अब हम तीनों मिलके बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे। सर्वे से कोई फेल कर दे। पूछते हैं इनसे कहाँ चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वही तो पूछ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? इनको भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? वही तो जा कहाँ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, रिक्शा पकड़ के चलेगा या फिर उधर से कैब पकड़ के चलेगा। जा रहा कहाँ है? साइबर अब जा रहे हैं। साइबर फाइनली हम साइबर अब जा रहे हैं। चबंद कर लो। चलो बाय। फाइनली वी डिसाइडेड हम जा रहे हैं मजनू का टीला जो दिल्ली में है। ओ सॉरी, जो साइबर हब में बंटा भी है। बंटा की दुकान पे जा रहे हैं। बंटा की दुकान पे जा रहे हैं। बंटा भी ने 10 रुपए। ये हमारे साथ दो असिस्टेंट, रिक्शे वाले से बात कर लिए, ठीक है भाई। अब वो हमें छोड़ेगा साइबर सिटी। अब मैं तो पता ही नहीं क्या आज बोल रहा हूँ, साइबर सिटी जा रहा हूँ कि मजनू का टीला जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? साइबर अब जा रहे हैं, ठीक है। फाइनल फाइनली साइबर अब जा रहे हैं और मजे लिए जा रहे हैं। जब यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, पहले साइबर अब जाएंगे, उसके बाद और भी जगह जाएंगे, तो धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे। पहले साइबर अब जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड आजाद कुमार चैनल, जिस हमने ब्लॉग हैक कर लिया है, सॉरी भैया, जिसे हमें हैक कर लिया है। ये मेरे दो असिस्टेंट आगे 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 साइबर सब अरे साइबर हब। यस कोच साहब, रोड पार करना है पहले। अच्छा, रोड पार करना है। एक इंफो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब भी रोड वो भाई साहब भी मर जाते, जब भी रोड पार करें तो फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, एक्सीडेंट हो सकती है। फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, रोड पार करते समय कैमरा को यूज़ कर रहा है, नहीं करना चाहिए। वाह क्या लाइट है आज। फोटोग्राफी डीप तो मेरे फ़ोन से होगी लगता है, सारा शूट तो मेरे से हो रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, शूट होना चाहिए। और ज्ञान के लोग, ज्ञानी ज्ञानी देवता, यहाँ की ज्ञान की बात करते हुए, वाह पकड़ने का जो होना चाहिए किसने का। सही बात है, सही बात, सही बात है, सही कहा कि ब्लॉगर आए हैं मैं समझाने के लिए। 50 क्लिप लेनी पड़ती है, 50, उसमें से 5 यूट्यूब पे डलती है। ये सिखाएंगे, सिंगल टेक में कर लो काम, बड़े आए। हमारे कैमरामैन को लगा कि यहाँ पे फोटोग्राफी अच्छी होगी, तो अभी तो डेस्टिनेशन पहुँची ही नहीं है, उससे पहले कैमरा निकाल करके फोटोग्राफी हो रही है। मैं दिखाता हूँ, ले भाई जूम ही नहीं हो रही है। सो गाइस, हम साइबर हब आए थे और साइबर हब में एक पंगा है कि यहाँ पे प्रोफेशनल कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ पे फोटोशूट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि कैमरा ही नहीं जा रहा है। हम तो हम अंदर जाके करेंगे क्या, तो हम अलग लोकेशन थोड़ा देखते हैं कहाँ पे जाना है। उसकी क्लिप ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इतना नहीं है, ठीक है। तो आप जब भी साइबर हब आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप प्रोफेशनल कैमरा ना लेके आए, ठीक है, क्योंकि एंट्री होगी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो फ़ोन से जो शूट करना है आप फ़ोन से शूट कर सकते हो, फोटो शूट करना है, कुछ भी करना है आप फ़ोन से कर सकते हो, बट कैमरा इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो हम देखते हैं दूसरी लोकेशन, दूसरी लोकेशन पर जाके फिर देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। हम पहले गए थे साइबर सिटी, तो वहाँ पे फोटोग्राफी लाव नहीं था, तो हमारा दिल सा टूट सा गया। अब हम जा रहे हैं 32 माइलस्टोन, वहाँ का पता नहीं है, वहाँ का पता नहीं कैमरा अलाउ है कि कैमरा वहाँ का पता नहीं कैमरा अलाउ है कि नहीं, पर हम जा रहे हैं और देखते क्या सिचुएशन है वहाँ का। बट अगर आ गई ना भाई साहब फोटो, एक कर देना एक नंबर की फोटो होगी, एक नंबर की अगर वहाँ पे एंट्री हो गई तो, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल कैमरामैन।
वहाँ से निकल के और कुछ दूर चल के हम लोग वापस यहाँ पे आ चुके हैं 32 माइलस्टोन में, जहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले भी आया हुआ हूँ और पहले भी यहाँ का व्लॉग डाला हुआ है। और आज हमारा जो फोकस है वो फ़ोटोशूट का है, तो उसको फोटोग्राफी करनी है, स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है। स्ट्रीट फोटोग्राफी के साथ साथ हमारी फ़ोटो भी शूट हो जाएगी, तो देखते हैं अभी क्या क्या कर सकते हैं, अभी पहले प्लान आउट कर लेते हैं और तब तक 32 माइलस्टोन का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये ओवरव्यू, तो ये अपनी फोटोग्राफी कर रहा है, ये भाई साहब भी फोटोग्राफी कर रहे हैं अपनी, ठीक है, कुछ परफेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा 32 माइलस्टोन का मेन बोर्ड जो रोड से दिखता है, तो वहाँ से निकलने के बाद जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे हमें ना कैमरा से फोटो नहीं खींच सकते, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कभी भी साइबर अब या फिर वहाँ जाकर 32 माइलस्टोन में आता हूँ तो प्रोफेशनल कैमरा लेके बताना, आप कौन से शूट कर लो, कौन से फोटोग्राफी कर लो, सब चलेगा, बट कैमरा नॉट अलाउड, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पे आ रहे हैं शूट करने, ब्लॉग करने के लिए, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, नहीं तो आपको मज़ा ख़राब हो जाएगा और वो अच्छा नहीं होगा। जब मज़ा ख़राब हो जाए, आप कहीं के लिए एक्साइटेड हो और मज़ा ख़राब हो जाए। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है शाम के टाइम में, आप व्यू देखो पूरा, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये रात का व्यू माइलस्टोन का, और पता है फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो फोन से ही शूट हो रहा है, बस क्या कर सकते हैं। तो गाइस फोटो शूट वगैरह तो हो गया, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं अगली डेस्टिनेशन क्या होगी, तो वहीं जाके बताते हैं आपको कि अगली नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। तो दोस्तों ये है 29 की मार्केट, मतलब मार्केट क्या बोलो, आप यहाँ पे पैसे उड़ाओ आके, क्लबिंग करो, खूब इंजॉय करो, ठीक है। सारे क्लब के अलग अलग रेट्स हैं, तो हम भी पता करते हैं क्या कुछ है यहाँ पे रेट, फिर हम भी कभी प्लान आउट करते हैं यहाँ के लिए। ओके गाइस, तो फिर वहाँ से निकल के फिर हम दोबारा तीसरी लोकेशन पे आ चुके हैं, और ये मेला लगा हुआ है पीछे, तो अभी टिकट लेने गया भाई, टिकट लेके आता है, तो फिर इसका अंदर चलते हैं, अंदर क्या कुछ है मेले के अंदर वो भी जाके देखते हैं, तो चलो अंदर की तरफ देखा जाए। टिकट ले ली है भैया, और ये देखो ढोल बजना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, डांस हो रहा है ये, डांस शुरू हो गया। दीपक यू कैन जॉइन, एक अच्छे से डांस के बाद ये मेले का एंट्रेंस, यहाँ इधर से आए थे हम, और वही है, मतलब मेला क्या है कि आप यहाँ पे एक परचेजिंग कर सकते हो, कि मतलब एक अच्छे से शॉपिंग के लिए बनाया हुआ है, तो यू कैन बाय एवरीथिंग। बेसिकली क्या है, मेला जो है, मेला एक बहाना है लोगों को अपना सामान खरीदना है, ये पूरा जो मेला लगा हुआ है ये शॉपिंग के लिए बना हुआ है, स्टॉल बने हुए हैं, स्टॉल में क्या होता है पता ही आपको, लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सामान बेचते रहते हैं, तो क्या क्या है इस मार्केट में एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे, जो कुछ अच्छा होगा अच्छा कुछ सिखाएंगे, तो ये एक बढ़िया चीज़ पक्के आते हैं। अलग अलग तरह की लाइट है, स्मोक हुआ था, अरे वहाँ बहुत
ऑलराइट गाइस, अभी हम लोगों ने मेला घूमा और मेले में जो फोटोशूट करना था, जो रेंडम क्लिक्स करने थे हमारे फोटोग्राफर भाई को, उसने क्लिक कर दिया और फाइनली मेला लेट हो चुके हैं और घर की तरफ चलते हैं। जो मौज मस्ती करनी थी पूरे दिन घूमने में निकल गया मेला। एंट्री की दो तरह की फीस है ये बताया था आपको। हाँ, सैटरडे संडे को आते हो तो 50 रुपये लगेगा, बाकी दिन आपको नॉर्मली 30 रुपीज़ लगता है एंट्री का। और बहुत मज़ेदार है, आप अंदर अच्छा फूड वगैरह इन्जॉय कर सकते हो, झूले वूले हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो इन्जॉयमेंट पूरा है, मज़े मतलब आपका पैसा वसूल है आने के बाद। तो अभी घर चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, तो मिलते हैं। आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आया हुआ क्योंकि सरप्राइजिंग सा कुछ था, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग चीज़ें करी हमने। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, ठीक है, ओके, टाटा बाय।